हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पावर फंक्शन डिस्कस कर लिया था, मॉडुलस फंक्शन डिस्कस कर लिया था, सिग्नम फंक्शन डिस्कस कर लिया था, है ना। आज हम लोग जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दिस डेफिनेशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसे फटाफट से समझ लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब डोमेन रियल नंबर होगी और कोडोमेन भी रियल नंबर होगी। डोमेन भी रियल नंबर्स का, या डोमेन, या तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स का सेट होगा या उसका कोई सबसेट होगा, ऐसे कहना ठीक है। सो फंक्शन अ रियल फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, है ना। ये बस डिनोट करने का एक तरीका है, जैसे मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे एक अजीब से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, याद है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, ये करता क्या है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको एक्स पढ़ते हैं, ये लिखा है तो इसे मॉड एक्स पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिव्स, ये क्या देता है, दिस गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या कहता है, दिस गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि ये आउटपुट किस रूल के अकॉर्डिंग दे रहा है। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स किस रूल के अकॉर्डिंग आउटपुट देता था, मॉडुलस ऑफ एक्स गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको वैल्यू चाहिए 2 की, तो 2 का आउटपुट आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। तो 2 से लेस या 2 के इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर सोचिए, 2 से कम या 2 के बराबर सबसे बड़ा, मतलब 2 के आगे नहीं जाना आपको, 2 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 ही है, है ना। टिल 2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा सोचिए 2 तक, दिस गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2। अभी समझ आया, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 2.5, ठीक है। So this gives greatest integer less than or equal to 2.5. तो 2.5 के बराबर 2.5 नंबर लाइन बना लीजिए, सोच लीजिए थोड़ा सा, 2. नंबर लाइन पर 2.5 के इक्वल या उससे लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको सोचना है। तो 2.5 तो खुद तो इंटीजर है नहीं, तो इसको छोड़िए, इससे कम में आइए, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2. 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 1.345 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.345 गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, तो इससे कम सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1। इसके बराबर या इससे कम सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1। आपसे कोई पूछा अंडर रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, अंडर रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, अंडर रूट 2 के वैल्यू 1.414 वाले से ऐसे करके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको मालूम है। सो इसका जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ढूंढ रहे हैं तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ देख रहे तो क्या आएगा उसमें, 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1.414 डॉट डॉट डॉट,
1.414 डॉट डॉट इसके इक्वल या इससे लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? वन है. इसका आउटपुट क्या आएगा? भाई 1.414 इंटीजर नहीं ना है, इसके इक्वल. तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर है नहीं, इसके इक्वल नहीं तो इससे छोटा, इससे छोटे में जाइए सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा? 1.414 के लेफ्ट चाहिए सबसे छोटा जाते ही जाते 1.3 पे जाएंगे, 1.2 पे जाएंगे, 1.1 पे जाएंगे, 1 पे आएंगे, 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. 1 से पीछे जाएंगे तो और छोटा इंटीजर मिलेगा. आपको ये सब समझ में आ रहा होगा आई होप. तो मैंने डेसिमल नंबर का आउटपुट दिखा दिया, इरेशनल नंबर का आउटपुट दिखा दिया, इंटीजर का आउटपुट दिखा दिया, जीरो का आउटपुट जीरो आएगा. ओके, ये सब समझने के लिए है. और आप देखें टू पर एक ही आउटपुट आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स. ये एक यूनिक आउटपुट देगा, ऐसा नहीं है कि 1.345 के दो तीन आउटपुट आ रहे हैं, एक ही आउटपुट आ रहा है. अच्छा, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर थी तो हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए. भी तो बात है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या जरूरी है, पहली चीज हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और दूसरी चीज आउटपुट यूनिक होना चाहिए. तो हर इनपुट का आउटपुट रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो है, नेगेटिव रियल नंबर है. हम पॉजिटिव का देख चुके हैं, जीरो का देख लिए. पॉजिटिव रियल नंबर में भी हम लोगों ने इंटीजर देख लिया, डेसिमल देख लिया, स्क्वायर रूट मतलब इरेशनल देख लिया. अच्छा, नेगेटिव में देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू नीड द वैल्यू ऑफ 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.5. तो इसको समझ नहीं करे ना, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी माइनस टू बता देते हैं. नंबर लाइन बना ली, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऐसे ही चलती है. सो दिस विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस 2.5. इसके अंदर क्या होगा? तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टू सॉरी लेस देन और इक्वल टू माइनस 2.5. अब माइनस 2.5 कहां आएगा? माइनस 2.5 होगा इधर बीच में, ये माइनस 2.5 है ना, माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में. ध्यान समझिए, माइनस 2.5 तो खुद तो इंटीजर है, हमको ये हमको क्या आउटपुट देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा जो माइनस 2.5 के बराबर है या उससे कम. तो माइनस 2.5 खुद तो इंटीजर है, इससे कम आइए. माइनस 2.5 से कम जाने का मतलब इधर बढ़ोगे कि इधर बढ़ेंगे? इधर बढ़ेंगे ना, लेफ्ट. माइनस टू किसी भी इंटीजर से कम, किसी भी नंबर से कम अगर खोजना हो तो हम लेफ्ट जाते हैं. नंबर लाइन पर लेफ्ट जाने पर वैल्यूज घटती है और राइट जाने पर वैल्यूज बढ़ती है. माइनस 2.5 से लेसर, माइनस 2.5 से लेसर इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस 2.5. माइनस 2.5 से लेस होने का मतलब हम कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कहां आएंगे? माइनस 3 पर. इससे और कम करोगे तो और छोटा इंटीजर मिलेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो वो है हमारा माइनस 3. इसका आउटपुट क्या आएगा? माइनस 3 आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे माइनस 2 का आउटपुट क्या होगा, तो दिस विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 तो खुद एक इंटीजर है, तो फिर दाएं बाएं क्यों होना? माइनस 2 इज द आउटपुट. अगर आपसे कोई कहे कि माइनस 1.7 का आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस 1.7, तो इक्वल टू का तो सवाल ही नहीं है. 1.7 माइनस 1.7 इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर वैल्यू ही देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीजर वैल्यू ही देगा. अब इंटीजर वैल्यू किस तरह से दे रहा है उसका एक रूल है. सो दिस विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस 1.7. माइनस 1.7 खुद तो इंटीजर है नहीं, तब इज इक्वल टू वाली बात हट गई. अब लेस में जाइए, माइनस 1.7 से कम करते जाइए, कम करते जाइए, बड़ा से बड़ा इंटीजर. माइनस 1.7 से कम किया, माइनस 1.8, माइनस 1.9, माइनस 2. इसका आउटपुट क्या आएगा? माइनस 2 आएगा. अब माइनस 1.7 से कम करने का मतलब ये नहीं कि देखिए -1.7 और -1.6 इन दोनों बड़ा कौन है? ये बड़ा है, देखने में ऐसा ना लगे कि हाँ ये बड़ा है, ये दिस वन इज ग्रेटर. सो -1.7 से कम करने का मतलब क्या है? -1.8, -1.9, -1.10. -1.10 मतलब -1.10 का मतलब -2 है ना.
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन माइनस वन पॉइंट सेवन दैट विल बी माइनस टू। ओके तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है क्योंकि वो हर रियल नंबर का आउटपुट दे रहा है, डोमेन रियल नंबर से हर रियल नंबर का आउटपुट दे रहा है, और सेकेंड पॉइंट आउटपुट जो है वो यूनिक दे रहा है, ठीक है, एक ही इनपुट पर दो एक से ज्यादा आउटपुट नहीं दे रहा है। सो ये बस बेटर आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये फंक्शन किस तरह से आउटपुट दे रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है। ओके तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन की बात करें तो डोमेन हमको साफ दिखाई दे रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। को डोमेन की बात करें, को डोमेन हमको साफ दिखाई दे रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये सिर्फ इंटीजर्स देता है, डेसिमल वाले नंबर नहीं देगा, फ्रैक्शन में नहीं देगा, इरेशनल नंबर आउटपुट नहीं देगा, सिर्फ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बड़ा से बड़ा इंटीजर खोजता है। तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे आउटपुट में, रेंज में सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स वाले सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है, जेड इज द स्टैंडर्ड वन। ओके आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया हो, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तक जितने भी फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े उसमें सबसे अच्छे ढंग से समझने की जरूरत इसको और मॉड्यूलस फंक्शन को ही है, और इन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में 11th में आप पढ़ी रहे, आप लोगों ने फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी। व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिफाइंड बाई देयर ओन सेल्फ, ठीक है, दैट आर नॉट डिपेंड्स, दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू बी डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल आई मीन देर आर सेवन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आई होप, द टाइम, लेंथ, मास, है ना, करेंट, आई मीन सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है। अब उसकी वजह क्या है कि अब टाइम को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है ना, डिस्टेंस। स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे लेंथ और टाइम, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है, इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, ये डिराइव्ड है, किससे डिराइव्ड है, लेंथ और टाइम से, यानी कि डिस्टेंस और टाइम से, समझ आ रही बात है ना। इसीलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनका एक फिजिकल या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो बाय देयर ओन सेल्फ डिफाइंड होती हैं, वो खुद एग्जिस्ट करती हैं। स्पीड वगैरह जो है वो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज या बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज से फोर्स है या बाकी चीजें जो है वो बाकी फिजिकल दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव की जाती है। ओके ये बातें बहुत समझने वाली है, ये बातें आपने समझी भी होंगी फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में, तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। ठीक इसी तरह से मैथ्स में कुछ फंडामेंटल फंक्शंस हैं जो खुद डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये खुद से डिफाइंड है, इसका एक अपना मीनिंग है, इसका एक अपना सेंस है। व्हाट दिस फंक्शन गिव्स, दिस फंक्शन गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी खुद की डेफिनेशन। सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन जो है वो फंडामेंटल फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन जो है फंडामेंटल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन जो है फंडामेंटल फंक्शन है ना, ये सब इन सब की अपनी एक मीनिंग है, ये किसी और फंक्शन से, लेकिन अभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे और भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अब मैं ऐसे लिख दूं, इसे नोट कर लीजिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई होप दिस इज डन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मतलब ऐसे ही है, नहीं अभी इन सबका टाइम नहीं आया, बट जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट एंड थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग जो मैं बनाना चाहता हूं, इसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्नम पढ़ेंगे,
SGN सिग्नम, ठीक, कई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, मैं ऐसे लिख रहा हूं SGN सिग्नम, या ऐसे पूरा लिख लो यार, सिग्नम ऑफ x, ये तो आप जानते ही क्या होता है सिग्नम ऑफ x, ये फंक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, क्या देता है ये तीन तरह के आउटपुट देता है, अगर इनपुट पॉजिटिव रहा तो प्लस वन देगा, अगर इनपुट नेगेटिव रहा तो माइनस वन देगा, अगर इनपुट जीरो रहा तो जीरो दे देगा, इसको बस सीधा पता है, उस दिमाग में लगा था, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां एक्स की जगह ये ले दूं, ऐसे बस सिग्नम ऑफ दिस, देखिए अब यहां मैंने अंदर एक क्वाड्रेटिक लिख रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख रखा है, सबसे पहला सवाल कि ये है क्या, किस तरह का फंक्शन है, तो ये भाई साहब दो फंक्शंस की हेल्प से कंबाइन किया गया है, एक तो सिग्नम फंक्शन और एक ये कौन सा अंदर वाला कौन सा फंक्शन है, याद कीजिए ये है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, अलजेब्रिक फंक्शन के बाद उन्होंने पढ़ा था पॉलीनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़े थे ना पॉलीनोमियल फंक्शन, ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, कैसा पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन को और सिग्नम फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाया है, ये फंडामेंटल फंक्शन नहीं है, तो ऐसे बाकी जितने भी फंक्शन आएंगे, ठीक है, ये भी बात नहीं है कि मैंने इलेवेंथ में आप लोगों को सारे फंडामेंटल फंक्शंस पढ़ा दिए, नहीं, आप जैसे जैसे मैथ्स में आगे बढ़ेंगे आपको नए नए तरीके के फंडामेंटल फंक्शंस मिलते चले जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारी मैथमेटिकल ग्रोथ कितनी है, तो अभी तक हमारी जितनी मैथमेटिकल ग्रोथ है उसके बेसिस पर हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब पढ़ लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल फंक्शंस और ऐड होते चले जाएंगे, बट ये बात समझने वाली, अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग फंडामेंटल फंक्शन का, पॉलीनोमियल फंक्शन को और सिग्नम फंक्शन को कंबाइन किए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये सिग्नम फंक्शन है और ये क्या है, ये इस सिग्नम के लिए इनपुट का काम कर रहा है, ये इनपुट है। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए इनपुट का काम कौन काम कर रहा है, x, तो मैं जब x को वैल्यू दूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वैल्यू आएगी, फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हिसाब से सिग्नम फंक्शन ऑपरेट करेगा, मतलब यहां दो मशीन्स को लाइन में लगाया गया है, दो मशीन्स को लाइन में लगाया गया है, दो प्रोग्रामिंग एक साथ की गई, पहली प्रोग्रामिंग पहला जो हम जो इनपुट देंगे वो एक्स को देंगे, पहली मशीन ये क्वाड्रेटिक का आउटपुट निकाल के देगी, अब जो क्वाड्रेटिक का आउटपुट आएगा उस आउटपुट को देखेगा सिग्नम फंक्शन कि वो आउटपुट पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, अगर वो आउटपुट पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम फंक्शन प्लस वन आउटपुट दे देगा, अगर वो आउटपुट नेगेटिव हुआ तो वो माइनस वन दे देगा, अगर वो आउटपुट जीरो हुआ तो सिग्नम फंक्शन जीरो आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब जरा इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ना कि इसका ए मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू इसकी क्या है माइनस वन, अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू वन माइनस फोर, ए की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ गई वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री, आपको ये याद होगा टेंथ में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब जीरोज रियल नहीं होते इमेजिनरी होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, सब मैं ऐसा नहीं ये सब आपने टेंथ में नहीं पढ़ा है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर a की वैल्यू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल में पढ़ी है ये चीज क्लास टेंथ में एनसीईआरटी, अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ ऐसे कुछ रहेगा, ये इस क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है सर, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा है, या एक्स एक्सिस को कट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब रूट्स इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब रियल एक्सिस पर रूट्स आएंगे नहीं, रियल एक्सिस पर आएंगे नहीं तो ग्राफ जो है वो रियल एक्सिस से नीचे रहेगा, खत्म। अब इसका देखिए x की कोई भी वैल्यू रहे, x की मैं कोई भी वैल्यू दूं,
इसका आउटपुट नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस का आउटपुट अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, मैं अपने मन से कोई वैल्यू रख रहा हूं, आप अपने मन से कोई वैल्यू रखिए। जैसे मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 रख देता हूँ, सो 5 स्क्वायर ये हो जाएगा -25 प्लस 5 -1, ये नेगेटिव आएगा। आप कुछ भी रख के देखिए, आप नेगेटिव में रख के देखिए, आप रूट में रख के देखिए, जो भी आपको रख के देखना हो, इसका वैल्यू किसी भी इनपुट के लिए नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, तो आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखते चले जा रहे हैं, सिग्नम उसका आउटपुट देता चला जा रहा है। आपने एक्स की वैल्यू रखी 5, एक क्वाड्रेटिक का आउटपुट आया नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव आया तो सिग्नम फंक्शन आउटपुट क्या दे देगा, नेगेटिव को देख करके -1। लेकिन पंगा क्या है, इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव है। ये देखिए, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, क्वाड्रेटिक का आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव, और क्वाड्रेटिक का आउटपुट नेगेटिव आया तो सिग्नम का आउटपुट क्या आएगा, -1। तो इस पूरे फंक्शन का एक ही आउटपुट है -1। अगर आपसे पूछे कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो एक सिंगलटन सेट बनेगा 1 -1। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले फंक्शन की रेंज निकाल ली। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपको सिग्नम फंक्शंस की, क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, जो कुछ भी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े वो कैसे हैं, क्या है, अगर आपने ये 10th का ये लॉजिक अगर आपको याद होगा, नहीं ध्यान है या आपने नहीं पढ़ा है किसी वजह से, तो आज ध्यान कर लीजिए कि अच्छा ये बात होती है। अगर ए नेगेटिव हो तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करता है। तो अगर अब तक आप ये बात नहीं जानते थे तो अब से ध्यान रखिए। बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पीछे के नॉलेज के बेसिस पर ही आपको आगे की चीजें बताते हैं। ओके, सो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, टू और मोर फंक्शंस। और कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं यूज किया जाता है मैथ्स में, एक नया वर्ड यूज किया जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ, यहां पर कंपोज किया गया है दो फंक्शंस को, दो फंक्शंस की कंपोजिंग की गई है, एंड द टू फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। वी हैव कंपोज्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन इनटू अ सिग्नम फंक्शन। और ये कंपोजिशन किस तरह से होता है, इसके रूल्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। मैं बस इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ रहा हूं कि हाँ, ये लिंक यहां से 11th की एक लीड आपकी क्लास 12th में जाकर के फिनिश होगी। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज चंद्रा पब्लिक स्टूडेंट मऊ, चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स, गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स देना ना भूलें कि आपको लेक्चर कितना समझ में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, नोट जरूर बना लीजिएगा। हम लोग आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे फंक्शंस की, जितने भी हम लोगों ने फंक्शंस के टाइप्स पढ़े हैं, हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि वो कैसे दिखाई देते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाई देते हैं। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।